नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके स्टार शिवम। रमजान का पाक महीना चल रहा है, ऐसे में आपको बता दें कि सभी राजनीतिक दलों के द्वारा इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास यानी कि 10 सर्कुलर रोड पर, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हजारों हजारों की संख्या में जो रोजेदार हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नेताओं का जो आने का सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोगों का वो स्वागत भी कर रहे हैं। हजारों हजारों की संख्या में जो रोजेदार हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर पहुँचे हैं। आपको हम सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी इस इफ्तार पार्टी में शामिल होंगे। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को भी निमंत्रण दिया गया है इस इफ्तार पार्टी में, और देखना होगा कि चिराग पासवान इस इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं या नहीं। आपको बता दें कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को भी इस इफ्तार पार्टी में बुलाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव सभी जगह घूम घूम के मुआयना कर रहे हैं, स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। काफ़ी संख्या में जो राजद के नेता हैं वो भी पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी भी यहां पर मौजूद हैं, और कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, पप्पू यादव और तमाम जितने भी राजनीतिक दलों के नेता हैं वो आप यहाँ पर पहुँचेंगे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने इस इफ्तार पार्टी का बहिष्कार कर दिया है। तो एक बार फिर से आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हजारों हजारों की संख्या में जो रोजेदार हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और 6:10 पे तमाम जितने भी रोजेदार हैं वो अपना रोज़ा खोलेंगे। और इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तमाम जितने भी राजद के वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर पहुँचेंगे। आपको बता दें कि इफ्तार पार्टी के बहाने कहीं ना कहीं विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश भी की जा रही है। आपको बता दें कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी 5 सालों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजद के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं को भी इस इंतजाम में लगाया गया था। तो हजारों की संख्या में जो रोजेदार हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर पहुंच चुके हैं, और कुछ देर के बाद जो नेताओं का आने का सिलसिला है वो भी जारी है, और कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ सभी वरिष्ठ नेता जो हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचेंगे। बहरहाल, अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।